तो जिम जाता है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? कितने पैकेट है? 6-6 पैकेट नजर मत लगा। और ये किसके हैं? मेरे ट्रेनर के। अरे ये भाई पता नहीं भाई, साले 2 पैकेट खा रहा हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरा तेरे से ज्यादा मन कर रहा है। वेलकम बैक टू द व्लॉग भाई, बड़े दिन बाद वैसे फिर से व्लॉग कर रहा हूँ मैं। और मैं पी रहा हूँ भाई अपना पीनट बटर शेक, और जो ये पसीने आ रखे हैं ना उसका एक रीज़न है भाई, अभी जिम से होके आए हैं। ये पड़ा अपना जिम बैग, आके जो मैंने फेंका है ना, लेग डे लगाया आज, बैंड बजा दी भाई ईशान ने। ईशान है भाई मेरा ट्रेनर। कल रात को राजमा बना के रख लिए थे भाई, अभी राजमा गर्म करेंगे, लंच में डालेंगे और फटाफट चलते हैं कॉलेज। ये ईशान भाई का मील प्रेप, भाई मील प्रेप बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम अपना। पहला दिन है कॉलेज का, 5th सेमेस्टर का हमारा। ईशान का काम है बर्तन धोने का और मेरा है बर्तन समेटने का, किचन साफ रखने का और खाने में तड़का मारने का। सब्जियां काटने में हेल्प ईशान करता है और ऐसे हमारी किचन मेंटेन रहती है भाई। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहनना क्या है। ये सब कपड़े कल धोए थे, डोंट माइंड भाई। लोग एक्साइटमेंट में इतनी जल्दी तैयार होकर बैठे हैं ना, टाइम दिखा दीजिए जरा। देखो भाई अभी 9 बजे निकलेंगे हम, बहुत टाइम पड़ा है अपने पे, बहुत टाइम है भाई। पसीने साफ साफ कर करके ये देखो, ये लाल होगी भाई जगह। गर्मी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ी देर बैठने के लिए भी एसी चलाना पड़ रहा है। हेलमेट की ज़रूरत तो नहीं होगी? स्कूटी में एक रखा तो हुआ ही है। आईडी कार्ड का पट्टा भाई मेरा फिर गायब हो चुका है, और ये छेद दिख रहा है इसका मतलब मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ। हैप्पी गर्मी। हैप्पी गर्मी भाई, पसीने से बड़े हाल। इतने दिनों बाद मिले, बहुत दिनों बाद। अरे मस्त, पसीने से भीगे हुए, पूछने की बात है ये कोई? भाई क्लास से फ्री हुए हैं भाई, एनिमेशन के नाम पे क्या बनाया है, फूफा बदमाश एनिमेशन। ठीक है ये तो सिंपल है भाई, फूफा तो बदमाश। मैं अपना कंप्यूटर पे काम मैं अपना कर ही रहा था, मेरे को भी पार्सल आया। वो एक्चुअली ये खाली इसलिए है क्योंकि मैंने दिखाता हूँ भाई, मैंने एयर फ्रायर का कवर मंगाया था भाई। ऐसे एयर फ्रायर गंदा हो जाता है इसलिए कवर मंगा लिया था मैंने। थोड़े ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हो गए हम पहले से, एक महीने में मैं कह रहा हूँ ना भाई, बहुत चेंज आ गया अपने में। किचन साफ पड़ी है अभी, अभी थोड़ी देर में गंदी हो जाएगी, डिनर की तैयारी होगी। यार अब धीरे धीरे भूख लग रही है तो मैं तो चला किचन में खाना बनाने, और आज तुम लोगों को भी दिखाते हैं खाना बनाने का प्रोसेस। ईशान कह रहा है कि भाई पुलाव बना दे, पुलाव खाते हैं। पता है ये चाकू जो पहले दिन आया था ना, इससे मेरी उंगली का नाखून कट गया था भाई। मैं ऐसे पकड़ के ऐसे काट रहा था और साथ में मेरा नाखून कट गया। बच के रहना ऐसे बड़े चाकुओं से, बट मज़ेदार बहुत होते हैं, ऐसे मज़े बहुत आते हैं भाई काम करने में। ठीक है, थोड़ा सा मसालेदार बनेगा, अच्छा है। बट इनको लग रहा है कि सारा काम मैं अकेले कर रहा हूँ, नहीं, ईशान भाई बर्तन धोते हैं, हम खाना बना देते हैं, किचन साफ हम रखते हैं, साफ रखने में हेल्प ये करते हैं। क्यों ईशान भाई? भाई मेरे को खाना बनाने में मज़ा आता है भाई, इसलिए खाना बनाता हूँ, वरना तो बर्तन धोना भी चलेगा अपने को। खाना बनाना भी चलेगा मेरे को, नींद आ रही वरना तो सुबह 5 बजे से उठ रहे हैं कॉलेज। मेरी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई थी, मैं आगे 2 घंटा सो गया था, मैं नहीं सोया, ये सो नहीं पाया बेचारा। हम दोनों सुबह के 5 बजे के उठे हुए थे, मैं सो गया, मेरे में एनर्जी आ गई फिर से, ये भाई अब तक सो नहीं पाया। कल फिर से सुबह सुबह जिम, अभी रात को ये जो चावल बने हैं और राजमा थोड़े से रखे हुए अभी भी हमारे पास, ऐसे कर करके ना भाई क्या कहते हैं, हम लंच प्रिपेयर करेंगे अगले अगले दिन के लिए। अभी राजमा या फिर ये खाए जाएंगे जो भी है, फिर अगले दिन लंच के लिए जो चीज़ बच जाएगी वो लंच में जाएगी, साथ में सैलेड पक्का होगा। तो बोलते बाहर ना आ जाए भाई ये,
थोड़ा ज्यादा चल जाए इसलिए मैं ज्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं। तो खाना अगर ज्यादा बन जाए ना स्पेशली बैचलर्स के घर में वो खत्म हो ही जाता है, बचता नहीं है। मैं टिफिन में ले जाऊंगा एक्स्ट्रा चावल, वहां पे भाई हॉस्टल वालों को खिला दूंगा भाई। जो रहते थे ना फ्लैट में और घर पे उनका क्या मैंने टिफिन खाया है। मौसम बड़ा सेक्सी हो रखा है, सोसाइटी में बच्चे खेलते हैं, असली मजा आता है बहन। जो भी देख अब बताऊं कैसे कैसे अगर खिड़की में की है ठीक है, अब वो खिड़की जो तुम्हारा वो है स्टैंप देख क्या कहते हैं उसको विकेट ठीक है ठीक है ठीक है ना, अब वो वहां पे बॉल बज रही है अब पड़ोसियों को मारने के लिए कि बहन के लोड़े यहां खेल रहा है, हम बहन जो मारते थे कभी किसी की शीशा तोड़ दिया कुछ तोड़ दिया फिर भाग जाते हैं, 10 रुपए की बॉल तो है 1000 रुपए का शीशा कौन लगाए बॉल जाए जाए अगर एक दिन तुम तीनों टाइम ये भी खाओ तो भी चल जाएगा, ऐसा करने नहीं वाला बट बता रहा हूँ कि 2 गिलास इतना चल जाते हैं 2 बंदों के लिए। मैं जा रहा है ईशान के पास, ईशान अभी छत पे गया। यार वैसे एक बात कहूँ, हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे और इसके ऊपर डायरेक्ट छत है। इसका एक फायदा है कि पूरी छत हमारी है और हम जब मर्जी छत यूज कर सकते हैं। वो रहा ईशान भाई, दोनों साइड के दरवाजे खुले ही हैं, जहाँ मर्जी से चले जाओ। दिस इज द छत। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, आसपास का एरिया दिखाऊंगा ना पागल हो जाओगे देख के। यहाँ पे आप पास में ही KFC है, यहाँ पास में ही मैकडोनल्ड्स है, BTW है, 24/7 है, सुपर 74 नाम की शॉप है, और भाई 24 घंटे बाहर जो सोसाइटी के जस्ट बाहर निकल के दुकानें हैं ना, 3 दुकानें हैं 24 घंटे खुली 24 घंटे। रात को 2 बजे उठ के मैगी खाने का मन कर रहा है ना, जाके ले के आओ फ्रेश बनाओ भाई। हॉस्टल की तरह भूखे नहीं मरना पड़ेगा, भूखा नहीं सोना पड़ेगा पानी पी के। भाई आने वाले व्लॉग्स में तो मैं पूरी अपनी मतलब स्टूडेंट लाइफ दिखाता हूँ। बेसिकली मेरे को भाई ये वाली लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी, क्योंकि 2 साल मैं हॉस्टल निकाल चुका हूँ और अब फ्लैट में रह के मेरे को क्या क्या भसड़े होती हैं पता होना चाहिए ना। खाना बनाना तो भाई आता था ठीक है, इसलिए मम्मी पापा ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं कि बाहर कैसे रहेगा, क्योंकि पता है खाना बनाना आता लड़के को। क्लास थी हमारी मोशन ग्राफिक्स थी, सर ने बोला कि भाई टेक्स्ट एनिमेशन बनाओ, टाइपोग्राफी एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स। मैंने बनाया फूफा बदमाश, आ जा तेरे को मोशन ग्राफिक दिखाता हूँ मेरे को तो नींद आ रही है। फूफा बदमाश एनिमेशन, फूफा बदमाश कैसी लगी? बढ़िया भाई, फूफा बदमाश छोटा सा पार्क सोसाइटी का, ये अपनी सोसाइटी, वो रहा मंदिर। तो जिम जाता है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? गलत बात है भाई, भाई दही लेने आए तो दिख गया भाई। कितने पैकेट है? 6 पैकेट। नजर मत लगा। और ये किसके हैं? मेरे ट्रेनर के। अरे ये भाई पता नहीं भाई, पहले 2 पैकेट खा रहा हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, मेरा तेरे से ज्यादा मन कर रहा है। इतनी देर से घूम रहे हैं और लास्ट में भूख लगी, स्नैक्स थे नहीं, चावल अभी खाने नहीं भाई, इतने सब कुछ खरीद लिया। चावल तो खाने अभी। हाँ भाई ये बस ऐसे स्टॉक है हाँ, मन है कभी हो गया तो फिर से। मैं तो भाई रात को एडिटिंग करने बैठता हूँ। अरे वो माँ है पिल्ला लेके जा रही है अपने मुंह में, ऐसे होता है कुत्ते अपने बच्चे ऐसे उठाते हैं। क्या बोलते हैं, चरता हूँ भाई मैं, गाय भैंसों को जैसे चराते हैं ना वैसे मैं चरता हूँ एडिटिंग करते हैं। कुछ चाहिए मेरे को खाते हुए? 6 पैकेट मेरे भाई, मैं हॉस्टल में बेच दिया करता था अपने चीज के पैकेट। मैं मान ले 6 पैकेट लेके आया हूँ ना, मेरे स्नैक वाले डब्बे में रखे हुए हैं, मैं अगर मेरे को मन नहीं है खाने का या फिर मैं बेच देता था। मैं तो डेस्क के पास रखूँ, मेरे आसपास के रूम वाले थे ना वो मेरे से रात को मैगी खरीदने आते थे। देख ले, फिर भी मैं महंगी नहीं बेचता था।
जितने की लेके आया था मैं उतने की दे देता था। मैं कहा ले भाई ले जाओ। अब भाई जितना खाया जाएगा खा जाएंगे। ओ भाई बच गया। टेबल के यहाँ पे डाल दिया चिज्जी रात को खाने के लिए अगर भूखी लगी काम करते हुए। शक्ल देखो भाई चावलों की। भाई मटर होने चाहिए यार, मटर डालता ना मजा आ जाता है इसके अंदर। कुछ चला दे बढ़िया सा, देखते देखते खा लेते हैं। फ्रेंड्स चला रहे ठीक है भाई। मैंने फ्रेंड्स ना अपने दोस्तों के साथ मतलब मैंने फ्रेंड्स सीरीज फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखी है थोड़े बहुत एपिसोड, वो भी बीच बीच में से। मैंने कंप्लीट नहीं की ना ही मैंने स्टार्ट करी कहीं से भी। मैं कोई ना कोई दोस्त देख रहा होता है फ्रेंड्स, ये वाली फ्रेंड सीरीज, और मैं कहीं से भी आके शुरू हो जाता हूँ देखना। मेरे को बस करेक्टर पता है, थोड़ी बहुत स्टोरी पता है, देखते रहते हैं भाई मजे में।